हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज़ाइफ़ा क्लासेस। टुडे वी विल डिस्कस ऑन एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो पे एटम पे किया था और एटम पे बात की थी, ठीक है। तभी हमने ये भी बात की थी कि हम लोग एक एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स पे एक अलग से वीडियो करेंगे, ठीक है। तो आज ये वीडियो शूट हो रहा है और जल्दी ये अपलोड कर दिया जाएगा और आप लोग इसको देख पाएंगे। तो स्टूडेंट, चलिए बात करते हैं हम लोग एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स की। क्या होता है एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स? तो हम बच्चों, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में ये भी बात की थी कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो कितने हैं, बताइए। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अब जिन बच्चों ने लास्ट वीडियो हमारा देखा था वो आसानी से बता पाएंगे। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं 118। और इसी में हमने कहा था कि जो हमारे नेचुरल एलिमेंट्स हैं वो हमारे हैं, बताइए, 94, और रिमेनिंग आर ह्यूमन मेड। तो स्टूडेंट्स, हम लोग किस तरह से एलिमेंट्स को समझें कि हम ये भी जानते हैं कि एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एटम्स, छोटे छोटे एटम्स से मिलके हर एक चीज़ बनी हुई, ठीक है। और जितना भी मैटर है, ठीक है, वैसे अगर मैटर की बात आई गई है तो मैटर जो है वो तीन तरह के होते हैं, तीन तरह के मैटर होते हैं हमारे पास। एक है हमारे पास सॉलिड मैटर, एक है हमारे पास लिक्विड, और एक है हमारे पास गैस। तो स्टूडेंट्स, कोई भी मैटर हो, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, हर एक मैटर छोटे छोटे पार्टिकल्स एटम से मिलके बनता है। अब इसमें भी दो तरह के हमारे मैटर हो सकते हैं अगर हम देखें, ठीक है। एक ऐसा मैटर कि जिसके जब हम एटम को स्टडी करें तो सारे के सारे एटम हमें एक से मिलें तो हम क्या कहेंगे, ये एक एलिमेंट है। क्या कहेंगे हम लोग? कहेंगे हम लोग एलिमेंट, क्योंकि एलिमेंट के सारे एटम एक ही तरह के होते हैं, सारे एटम एक ही तरह के होते हैं। एक ही तरह से मतलब ये आइडेंटिकल होते हैं, और एक ही तरह से मतलब ये है कि उनके न्यूक्लियस के अंदर अगर देखा जाए तो सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स देखने के लिए आपको मिलेंगे। अगर हम ये कहें कि ये एटम ए है तो ये भी ए है और ये भी ए है और ये भी ए है, ये सारे एटम ए एटम है, तो हम कहेंगे कि ये एक एलिमेंट है। और अगर आपको ऐसा मैटर कोई मिले, चाहे वो लिक्विड हो, गैस हो या सॉलिड, जिसमें आप जब आप उसके एटम्स को देखो तो सारे के सारे एटम एक से नहीं बल्कि अलग अलग तरह के आपको मिल रहे हैं, सारे एटम एक से नहीं मिल रहे बल्कि अलग अलग तरह के मिल रहे हैं, दो तरह के मिल रहे हैं या तीन तरह के मिल रहे हैं, ठीक है, ये चार तरह के मिल रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे, वो हमारा मैटर एलिमेंट नहीं है बल्कि कंपाउंड है। तो ये सिमिलर एटम है तो हम कहेंगे एलिमेंट, और अगर सिमिलर एटम नहीं है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम है, तो हम कहेंगे कंपाउंड। इससे पहले हम लोग इसकी डेफिनेशन पे जाएं, मैं ये भी बता दूं कि एलिमेंट भी प्योर सब्सटेंस होता है और कंपाउंड भी एक प्योर सब्सटेंस होता है, ठीक है। कंपाउंड भी एक प्योर सब्सटेंस होता है, एलिमेंट भी एक प्योर सब्सटेंस होता है। तो बच्चों, क्या समझे हम लोग कि अगर किसी मैटर के, चाहे वो सॉलिड हो मैटर या लिक्विड हो या फिर गैस हो, ठीक है, हर एक मैटर, कोई भी मैटर हो, अगर हम देखें, अगर उसके एटम हमको सिमिलर मिल रहे हैं, आइडेंटिकल मिल रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे, एलिमेंट है। और अगर आइडेंटिकल नहीं है, एटम डिफरेंट टाइप्स के हैं, तो हम कहेंगे कंपाउंड है, क्योंकि हर एक चीज़ छोटे छोटे एटम से मिलके बनी है। अब जैसे कि बात कर लें यहाँ पे वाटर की, तो वाटर क्या है, वाटर एक कंपाउंड है। वाटर क्या है, वाटर एक कंपाउंड है, क्योंकि वाटर का अगर केमिकल फार्मूले की बात करें तो क्या होता है, H2। अगर हम वाटर के मॉलिक्यूल को देखें तो कैसा होगा कि एक एटम ऑक्सीजन का होगा ये, और यहाँ पर
एक एटम हाइड्रोजन का होगा और एक एटम यहाँ पर एक हाइड्रोजन को, दो हाइड्रोजन के एटम एक ऑक्सीजन का एटम, ठीक है। अब इसी तरीके से एक और कंपाउंड की बात करें, जैसे CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, तो यहाँ पे क्या है, दो तरह के एटम यहाँ भी मौजूद हैं। एक हमारा कार्बन का एटम है, ये हमारा कार्बन का एटम है, और इधर हमारा एक ऑक्सीजन का एटम है, इधर हमारा एक ऑक्सीजन का एटम, ठीक है। तो इसमें भी दो तरह के एटम आ रहे हैं। इसी तरीके से हम NaCl की बात कर ले, NaCl क्या होता है बच्चों, ठीक है। तो Na होता है हमारा सोडियम और Cl होता है हमारा क्लोरीन, तो ये बनता है, दोनों मिला के बनता है सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो ये हमारा कॉमन साल्ट है, ठीक है, हम लोग इसे यूज़ करते हैं जनरली, रोज हम इसे खाते हैं, टेस्ट भी करते हैं, कॉमन साल्ट है हमारा ये। तो इसमें क्या होगा, इसमें एक एटम Na का होगा और एक एटम यहाँ पर Cl का होगा, तो दो तरह के एटम। तो देखिए यहाँ भी दो तरह के एटम आ रहे हैं, यहाँ भी दो तरह के एटम आ रहे हैं, और यहाँ भी दो तरह के डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम आ रहे हैं। तो ये हमारे क्या है, कंपाउंड्स। बात कर लें बच्चों यहाँ पर जैसे कि ऑक्सीजन की, जैसे कि हम ऑक्सीजन को क्या लिखते हैं, O2, ऑक्सीजन। तो अब ये देखिए O2 यानी मतलब दो ऑक्सीजन है, दोनों ही ऑक्सीजन के एटम है, क्या बन रहा है हमारा, ऑक्सीजन का, ये मॉलिक्यूल बन रहा है ऑक्सीजन का, है ना। ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल है, एलिमेंट्स जो है वो मॉलिक्यूल के फॉर्म में भी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दो ऑक्सीजन के एटम मिलके क्या बना रहे हैं, एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बना रहे हैं। इसी तरीके से हाइड्रोजन, हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन के भी दो एटम एक साथ मिलके हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बना रहे हैं, H2, ठीक है। इसी तरीके से अगर खाली सोडियम है तो हम लिखेंगे उसके एटम को दिखाएंगे, सोडियम, ठीक है। तो उसमें जो एटम होगा खाली Na का एटम होगा, Na, है ना। जैसे कि इस तरीके से गोल्ड, गोल्ड गोल्ड का सिंबल क्या होता है, Au। ऐसे सिल्वर, ये सिल्वर क्या होता है, Ag, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये 118 टाइप्स के जो हमारे एलिमेंट्स हैं, तो हम ये भी कह सकते हैं एक तरह से कि हमारे पास 118 तरह के एटम है ना, कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं कि हमारे पास 118 तरह के एटम है। तो एलिमेंट्स क्या हमने जाना कि एलिमेंट्स जो है हर वो चीज़ को हम एलिमेंट्स कहेंगे जिसमें हमें सिमिलर एटम्स मिल रहे हैं और उनके न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन मौजूद है, वो नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो सभी एटम में एक सा है। अगर किसी एटम के न्यूक्लियस में मान लीजिए 5 प्रोटॉन है, तो उसी मैटर के दूसरे एटम में हम देखें, जब उसके न्यूक्लियस में देखें तो वहाँ पर भी 5 प्रोटॉन ही मिले, और फिर तीसरे एटम को देखें वहाँ पर भी 5 प्रोटॉन मिल रहे हैं न्यूक्लियस के अंदर, फिर चौथे एटम को देखें तो वहाँ पर भी हमें 5 प्रोटॉन मिल रहे हैं न्यूक्लियस के अंदर। इसी तरह से हम उस मैटर के सारे एटम को देखें और उसके प्रोटॉन को देखें तो सारे प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम हैं अगर, तो हम क्या कहेंगे, ये एलिमेंट्स हैं। चलिए तो इसको डिफाइन कर लेते हैं एलिमेंट्स को। तो बच्चों एलिमेंट्स को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं एन एलिमेंट्स इज अ प्योर सब्सटेंस, जैसे कि मैंने कहा कि ये दोनों ही चीजें प्योर होती हैं, प्योर सब्सटेंस कंसिस्टिंग, हम लिख सकते हैं इस तरह से, कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम विच ऑल हैव द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन इन देयर न्यूक्लियस, जैसा कि मैंने कहा। एक एलिमेंट के न्यूक्लियस में, एक एलिमेंट के एटम के न्यूक्लियस में सेम नंबर ऑफ, जितने भी एटम चेक करो आप, सबके सारे के सारे एटम के अंदर जो है, न्यूक्लियस के अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो सेम रहेगा।
असल में ये 118 टाइप्स के जो एलिमेंट्स हैं वो पहचाने जाते हैं अपने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। जैसे कि अगर किसी एटम के अंदर वन प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन है, तो हम क्या कहेंगे? आपको एक ऐसा एटम मिला, एक ऐसा एटम मिला कि उसके अंदर जो है एक प्रोटॉन है। अगर ये पता चल जाए आपको, तो आप क्या कहोगे ये प्रोटॉन किस एलिमेंट का है, इसको क्या कहा जाएगा? इसको कहा जाएगा हाइड्रोजन। क्या कहा जाएगा इसको? हाइड्रोजन। क्योंकि हाइड्रोजन जो है उसके एटम में एक ही प्रोटॉन होता है। हाइड्रोजन गैस जो है उसके जितने भी एटम आप देखेंगे सभी एटम के अंदर एक ही प्रोटॉन आपको मिलेगा। इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें कि अगर किसी एटम के अंदर दो प्रोटॉन है, तो वो प्रोटॉन, दो प्रोटॉन किसके एटम के अंदर होगा बताइए जल्दी से? हीलियम। ठीक है, तो किसके अंदर होगा? हीलियम। हीलियम के अंदर दो प्रोटॉन। ठीक है, इसी तरीके से अगर तीन प्रोटॉन किसी एटम के न्यूक्लियस में, तीन प्रोटॉन है, तो हम क्या कहेंगे? लिथियम। किसी एटम के न्यूक्लियस के अंदर चार प्रोटॉन है, तो हम क्या कहेंगे? हम लोग कहेंगे बेरिलियम है। ये क्या है? बेरिलियम है। अगर किसी एटम के अंदर पांच प्रोटॉन है, तो क्या कहेंगे हम लोग? हम लोग कहेंगे ये जो एलिमेंट है वो बैरोन है, बैरोन। अगर किसी एटम के अंदर सिक्स प्रोटॉन है, तो हम क्या कहेंगे? ये एस लगा लेते हैं यहाँ पे, तो हम कहेंगे ये जो हमारा कार्बन है। किसी एटम के अंदर अगर सेवन प्रोटॉन है, तो हम क्या कहेंगे? हम लोग कहेंगे ये हमारा जो है नाइट्रोजन है। किसी एटम के अंदर अगर आठ प्रोटॉन है, किसी न्यूक्लियस में उसके आठ प्रोटॉन है, तो हम लोग क्या कहेंगे? कहेंगे ऑक्सीजन। तो इसी तरीके से करते करते आप 118 पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के हिसाब से ही उसको अरेंज किया गया है। एलिमेंट्स के अंदर एलिमेंट्स को इस तरह से लगाया गया उसमें कि सबसे पहले हाइड्रोजन को रखा गया है, ठीक है, जिसमें जिसका प्रोटॉन वन है। उसके बाद नंबर दो पे हीलियम को रखा गया है जिसमें दो प्रोटॉन है। फिर उसके बाद लिथियम को रखा गया है जिसमें तीन प्रोटॉन है। ठीक है, तो बच्चों एलिमेंट्स क्या होता है कि एक ऐसा मैटर जिसके सभी एटम्स जो हैं एक से हों, सिमिलर हों, है ना, उनके न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम हो, तो हम क्या कहेंगे? वो एलिमेंट है। तो एलिमेंट हमारे पास 118 एलिमेंट्स है हमारे पास इस टाइम पे। ठीक है, और उसमें नेचुरली अगर एलिमेंट्स की बात करें, नेचुरल एलिमेंट्स की बात करें, तो 94 है। अब आते हैं कंपाउंड पे। तो स्टूडेंट्स कंपाउंड हमने क्या बताया कि डिफरेंट टाइप्स के, अगर आपको किसी मैटर के अंदर डिफरेंट टाइप्स के अगर आपको एटम मिल रहे हैं, तो हम कहेंगे कि वो कंपाउंड है। ठीक है, तो कंपाउंड को भी डिफाइन कर लेते हैं यहाँ पर, इसको रफ कर देते हैं। तो कंपाउंड को डिफाइन कर लेते हैं। कंपाउंड को किस तरह से डिफाइन करेंगे हम लोग? कंपाउंड कंपाउंड आर केमिकल सब्सटेंस मेड अप ऑफ टू और मोर देन टू एलिमेंट्स दैट आर केमिकली बाउंड टूगेदर इन अ फिक्स्ड रेशियो। तो स्टूडेंट्स कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड आर केमिकली फिक्स केमिकल सब्सटेंस मेड अप ऑफ टू और मोर देन टू एलिमेंट्स दैट आर केमिकली बाउंड टूगेदर इन अ फिक्स्ड रेशियो। ठीक है, यहाँ पर फिक्स रेशियो मतलब यह है कि ये जो वाटर का कंपाउंड हमारा बना है, तो उसमें दो ही हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ वो केमिकली बाउंड होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि तीन हाइड्रोजन बाउंड हो जाए ऑक्सीजन के साथ, या दो हाइड्रोजन के साथ दो ऑक्सीजन बाउंड हो जाए। ठीक है, तो अलग चीज़ हो जाएगी। एक फिक्स्ड रेशियो होना चाहिए कि दो हाइड्रोजन
और एक ऑक्सीजन। यहाँ पे रेशियो अगर देखा जाए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, तो 2:1 है, ठीक है। यहाँ पर ऑक्सीजन और कार्बन का रेशियो देखा जाए, या कार्बन ऑक्सीजन का रेशियो देखा जाए, तो 1:2 है, और यहाँ पर 1:1। तो फिक्स्ड रेशियो में ही एटम आपस में मिलते हैं, बाउंड करते हैं, केमिकली बाउंड करते हैं, है ना। आप जो है बॉन्ड पढ़ेंगे, ठीक है, कई तरह के बॉन्ड होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, है ना। तो आप फर्दर आगे क्लासेस में पढ़ेंगे बॉन्ड के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि उनका रेशियो जो है वो फिक्स्ड है, Na1 Na1Cl के साथ बाउंड हुआ है, ठीक है। तो क्या बना? कंपाउंड। जब एलिमेंट्स यानी कि मतलब एटम अलग अलग तरह के, दो एटम आपस में केमिकली बॉन्ड बनाते हैं, तो फिर हमारा कंपाउंड बनता है। और कंपाउंड भी एक प्योर सब्सटेंस है, कंपाउंड इज ऑल्सो अ प्योर सब्सटेंस, कंपाउंड इज ऑल्सो अ प्योर सब्सटेंस। अब दो कंपाउंड हमने आपस में मिला दिए, जैसे कि सपोज दैट हमने क्या करा, हमने यहाँ पे वाटर था, तो वाटर एक कंपाउंड है, वाटर के मॉलिक्यूल रहेंगे इसमें छोटे छोटे ऐसे, है ना। तो अब इसमें हमने जो है शक्कर मिला दी, यहाँ पे H2O था, ठीक है, H2O था सारा ये, और हमने क्या करा, C6H12O6 इसमें मिला दिया, ये शुगर है, ठीक है। अब ये जो शुगर का कंपाउंड इसमें जाएंगे, शुगर जो कंपाउंड शुगर भी, यहाँ पे तीन तरह के आइटम हैं, 1 2 3, तो ये जब इसमें जाएंगे तो ये आपस में बॉन्ड नहीं बनाएंगे, वो आपस में बॉन्ड बनाए रखेंगे, ये आपस में बॉन्ड बनाए रखेंगे, इसका कोई भी चीज़ इस H2O के साथ बॉन्ड नहीं बनाएगा, तो बॉन्ड नहीं बना रहा है, ठीक है, तो नया सब्सटेंस नहीं बनेगा। और इस तरह से अगर हमने इसको मिला दिया तो फिर ये प्योर नहीं रहेगा, क्योंकि दो कंपाउंड आपस में मिक्स हो रहे हैं, है ना। दो कंपाउंड मिलके एक नया कंपाउंड बना दें तो फिर वो प्योर हो जाएगा, लेकिन दो कंपाउंड मिलके मिक्स हो जाए खाली और एक नया कंपाउंड ना बनाए, तो फिर ये मिक्सचर कहलाता है, ठीक है। इसको हम लोग आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, मिक्सचर सॉल्यूशन, मिक्सचर दो तरह के होते हैं, सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन, है ना। तो फिर वो जो है प्योर नहीं रहेगा, क्योंकि दो कंपाउंड एक साथ हैं, वो मिक्स हो रहे हैं, लेकिन वो आपस में केमिकली रिएक्ट नहीं कर रहे हैं अगर, तो फिर वो प्योर नहीं रहेगा। दो कंपाउंड एक साथ अगर आ गए और वो आपस में केमिकली रिएक्ट नहीं कर रहे, तो फिर वो मिक्स मिक्सचर कहलाएगा और फिर वो कंपाउंड प्योर नहीं रहेगा। लेकिन एक सिंगल अगर कंपाउंड है कोई, तो वो हमेशा प्योर माना जाएगा और एलिमेंट हमेशा प्योर माना जाएगा। तो ये था हमारा एलिमेंट एंड कंपाउंड, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।